मध्य प्रदेश के नौ शहर में मेडिकल टीम पर थूकने, पथराव करने, पुलिस को मारने के बाद अब सड़क पर नोट उड़ार कर भागने का मामला सामने आया है। एक अज्ञात व्यक्ति ने गुरुवार दोपहर खातीपुरा मेन रोड स्थित धर्मशाला के सामने गली में नोट उड़ाया, इसके बाद वहां से भाग निकला। सूचना पर निगम टीम और पुलिस मौके पर पहुंची और नोट को सैनिटाइज कर जब्त किया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कोरोना के कारण क्षेत्रवासी इस घटना से दहशत में आ गए हैं। देश के मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी गुरुवार को मीडिया के सामने आए। उन्होंने जूम पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि देश में टेस्टिंग को बढ़ाने की जरूरत है। राहुल ने कहा कि हम इस वक्त इमरजेंसी सिचुएशन में हैं और उन्होंने कहा कि कमजोर तरीके ना अपनाकर रणनीति के साथ काम करना होगा। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच गुरुवार को केंद्रीय मंत्रालय की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कम टेस्टिंग के आरोपों को खारिज किया। काउंसिल के प्रतिनिधि ने कहा कि देश में जरूरत के हिसाब से टेस्टिंग हो रही है, आगे भी क्षमता बढ़ाने पर काम हो रहा है। उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ कोरोना फैलने की रफ्तार बाकी देशों से कम है। कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए दिल्ली में अब प्लाज्मा तकनीक अपनाया जाएगा। गुरुवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस थेरेपी से ट्रायल के तौर पर पहले कोरोना के बेहद गंभीर मरीजों का इलाज होगा। यह सब कुछ केंद्र सरकार की ओर से बनाए गए प्रोटोकॉल के तहत ही होगा। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनॉथ ने कोरोना के कहर के बीच भारत से मिली चिकित्सा आपूर्ति के लिए पीएम नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा कि एयर इंडिया की एक विशेष उड़ान द्वारा कल चिकित्सा आपूर्ति के उदार दान के लिए मैं भारत सरकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभारी हूँ। चीन के गोंगझोऊ एयरपोर्ट से गुरुवार सुबह कोरोना वायरस के इलाज में इस्तेमाल होने वाली किट्स की खेप रवाना की गई। इस खेप में 650,000 टेस्टिंग किट्स शामिल हैं। इसके अलावा चीन से भारत के लिए रवाना इस खेप में रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट और आरएनए एक्सट्रैक्शन किट्स भी शामिल हैं। इस बीच दुनिया भर के कई देशों ने चीन से मंगाए जाने वाले सामान पर घटिया क्वालिटी होने का आरोप लगाया है। हालांकि भारत की तरफ से ऐसी कोई शिकायत सामने नहीं आई है, लेकिन यूरोप के कई देशों ने इस पर चिंता जताई है। मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज और मार्क जुकरबर्ग की फेसबुक मिलकर व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म और यूजर बेस का फायदा उठाकर चाइनीज सुपर ऐप वीचैट के समान मल्टीपर्पज ऐप बनाने की संभावनाएं तलाश रही है। दोनों कंपनियां मिलकर इस प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग, टेक्निकल जानकारियां और डोमेन विशेषज्ञता जुटाएंगी। कोरोना महामारी से जंग लड़ रहे हमारे पुलिसकर्मी, डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ के साथ मारपीट और बदसलूकी की घटना को लेकर अभिनेता सलमान खान ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने एक वीडियो जारी कर ऐसे लोगों को जमकर लताड़ लगाई है। सलमान ने कहा कि ऐसे गवार और जोकरों की वजह से पूरा हिंदुस्तान लंबे समय तक घरों में कैद रहेगा।